दोस्तों, आज मैं जा रहा हूँ लैपटॉप खरीदने के लिए एंड आपको तो ऑलरेडी पता चल गया होगा कि कौन सा ब्रांड का है, लेकिन कौन सा मॉडल है, कितना प्राइस है वो मैं आप लोगों को आगे जाके वीडियो में दिखाऊंगा। एंड ये लाइफ का मेरा पहला लैपटॉप है तो इसलिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। एंड ऑलरेडी मैं घर से निकल गया हूँ एंड इस मॉडल को मैंने बहुत दिन पहले ऑर्डर दिया था लेकिन नहीं आ रहा था इस सिचुएशन में, आप लोगों को पता है। तो क्या है या नहीं है सब कुछ मैं आपको दिखाऊंगा एंड अभी कुछ देर पहले ही फोन आया था तो मैं तुरंत निकल गया। तो चलिए वीडियो कंटिन्यू करते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं सारा कुछ। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो मैं आ गया हूँ यहाँ पे एसर मॉल में एंड ये है सिटी सेंटर में, तो चलिए अंदर चलते हैं। मैं यहाँ पे रोज़ रोज़ फ़ोन करके पूछता था कि स्टॉक आया कि नहीं एंड जैसे ही स्टॉक आया तो भैया ने हमें फ़ोन कर दिया था। तो इसके हिसाब से आप देख पा रहे हैं भैया हमारा अभी अनबॉक्सिंग कर रहे हैं एंड एसर के लैपटॉप में दो बॉक्स आता है, एक बॉक्स के अंदर फिर से और एक बॉक्स मिलता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए थोड़ा सा फास्ट दिखाता हूँ एंड फाइनल लुक देखते हैं कैसा है। सो, ये है हमारा लैपटॉप, आप देख सकते हैं लुक्स काफ़ी अच्छा है, काफ़ी प्रीमियम, काफ़ी स्टाइलिश सा दिखने में है एंड सिल्वर कलर मुझे बहुत ही पसंद था एंड मैं सोच लिया था कि मैं जो भी लैपटॉप खरीदूंगा वो सिल्वर कलर का ही होना चाहिए, तो उसके हिसाब से मैंने इसको चूज़ किया एंड आप देख सकते हैं काफ़ी स्टाइलिश लग रहा है देखने में। तो यहाँ पर पहला बूटअप से पहले इसको चार्ज में लगाया गया है। तो चलिए जल्दी जल्दी सेटअप को कम्प्लीट करते हैं एंड बहुत कुछ बताना है आप लोगों को, तो इसलिए वीडियो को ज़रूर अंत तक देखते रहिए। सो फाइनली सेटअप कंप्लीट हो चुका है एंड विंडोज 10 इसमें प्री इंस्टॉल्ड मिलता है एंड भाई ये है पेडिटर का गेमिंग लैपटॉप जो कि बहुत ही कमाल का है। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ज़्यादा प्राइस है तो फिलहाल तो नहीं खरीद सकते, देखेंगे कभी बाद में। सो, ये है हाजी बिरयानी, दुर्गापुर का एक बहुत ही फेमस बिरयानी शॉप। कुछ दिन पहले यहाँ पे एक के साथ एक फ्री दिया जा रहा था तो उसके लिए बहुत हंगामा हुआ था। तो चलिए यहाँ पे थोड़ा सा ट्राई करते हैं कि बिरयानी कैसा है, मैं पहली बार यहाँ पे खाने आया हूँ हाजी बिरयानी पे, तो चलिए देखते हैं कैसा है यार, बहुत ज़्यादा भूख लग गया, मैं वेट नहीं कर पा रहा हूँ। चलिए जल्दी से मैं खाना शुरू करता हूँ, आप लोग वीडियो कंटिन्यू देखते रहिए। यहाँ पे चिकन बिरयानी का प्राइस है सिर्फ 100 रुपया। अगर आप दुर्गापुर के लोकल है तो आप यहाँ पे खाए हैं कि नहीं वो आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं, देखने में काफ़ी टेस्टी लग रहा है। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं एंड आप लोगों को बताते हैं कि कैसा है टेस्ट। तो दोस्तों बिरयानी का टेस्ट बहुत ही अच्छा है, अगर आप दुर्गापुर के हैं तो आप डेफिनेटली एक बार यहाँ पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो लैपटॉप खरीदने के बाद घर आता था, शाम हो गया था एंड उसके बाद रात को मुझे नाइट शिफ्ट ड्यूटी भी था, तो इसलिए बाकी का वीडियो मैं आज शूट कर रहा हूँ। तो यूट्यूब से मुझे कितना पैसा मिला वो बताने से पहले इस लैपटॉप के बारे में मैं कुछ इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर लूँ। तो ये है एसर एस्पायर 3 का A315-23, इस तरह का कुछ मॉडल नंबर है। इसी मॉडल का अलग अलग कॉन्फिगरेशन के साथ साथ अलग अलग मॉडल आपको बहुत सारा मिलेगा जिसमें अलग अलग प्रोसेसर अलग अलग रैम देखने को मिलता है। ये जो मैंने परचेस किया है ये आता है राइजन 5 3500U प्रोसेसर के साथ एंड इसका प्राइस मुझे पड़ा है 42,500 रुपीज़। जी हाँ दोस्तों, 42,500 रुपीज़ मुझे प्राइस पड़ा है। इसके बाकी कॉन्फ़िगरेशन के बारे में अगर आपसे बात करूँ तो इसका जो डिस्प्ले साइज है वो है 15.6 इंच का, एक फुल HD प्लस IPS डिस्प्ले एंड इसमें 512 GB का SSD लगा हुआ है, आप इसमें अलग से हार्ड डिस्क भी लगा सकते हैं एंड इसमें 8 GB का DDR4 रैम दिया गया है, इसको आप अपग्रेड भी कर सकते हैं एंड इसमें इंटीग्रेटेड रेडियंट वेगा 8 का ग्राफिक्स कार्ड लगा हुआ है 2 GB का, तो कुछ इस तरह का है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं ये है सिल्वर कलर का जो कि देखने में काफ़ी स्टाइलिश एंड काफ़ी प्रीमियम भी लगता है।
अगर आप मार्केट में कोई भी लैपटॉप खरीदने जाएंगे तो बहुत सारा अलग अलग ब्रांड की तरफ से अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन के साथ बहुत सारा आपको ऑप्शन मिलता है। मैंने एसर के लैपटॉप को इसलिए चूज़ किया क्योंकि मुझे जो चीज़ों का ज़रूरत था, मुझे एक 15.6 इंच का बड़ा डिस्प्ले का ज़रूरत था क्योंकि मुझे यूट्यूब के वीडियोज़ को एडिट करना था, और साथ में एक तगड़ा प्रोसेसर का भी ज़रूरत था। तो राइजन 5 का ये जो 3500U प्रोसेसर है, ये एक बहुत ही कैपेबल प्रोसेसर है, एंड अगर आप इसको कंपेयर करेंगे i5 के 8-9 जनरेशन के साथ तो उसको भी ये मात दे देता है। एंड अगर आप i5 के 10th या 11th जनरेशन का लैपटॉप खरीदने जाते हैं तो उसका प्राइस भी आपका 5-10 हज़ार इंक्रीज़ हो जाता है, एंड मेरा बजट भी उतना नहीं था। मैं एक ऐसा लैपटॉप चाह रहा था जिसमें मैं फ्यूचर में अगर ज़रूरत पड़े तो उसके रैम को, उसके मेमोरी को अपग्रेड कर पाऊँ, तो इस लैपटॉप में बहुत सारा ऑप्शन मुझे मिला है, तो इसलिए मैंने इस लैपटॉप को चूज़ किया। और इस कोरोना वायरस पैंडेमिक के चलते ज़्यादातर लोग अभी भी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो इसलिए लैपटॉप का जो सेल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और साथ में लैपटॉप का प्राइस भी इंक्रीज़ हो गया, एंड मैक्सिमम मॉडल जो शॉप है वहाँ पर अवेलेबल नहीं है। तो इन सारे रीज़न की वजह से मैंने इसको चूज़ किया, एंड मैं इसको अमेजन में लेना चाहता था लेकिन मेरे पास इतना पैसा एक साथ में नहीं था। एंड मैंने शॉप से जाकर इसको परचेस किया तो मुझे 42,500 रुपीज़ पड़ा, एंड मैंने इसको ईएमआई करवाया बजाज फिनसर्व के थ्रू, तो इसके लिए मुझे 1,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करना पड़ा, और साथ में एक ऑफर चल रहा था 2 साल का एक्सटेंडेड वारंटी का, एंड साथ में पहला साल का TDP का, तो उसके लिए मुझे 1490 रुपया करीब पे करना पड़ा। तो अगर सारा चीज़ों को जोड़ के देखा जाए तो मुझे करीब 45,000 रुपीज़ लग गए। और रही बात YouTube के पैसे, मैंने इसको परचेस किया है तो इस बारे में आपको बताना चाहूँगा कि YouTube का जो AdSense का पैसा है, AdSense का जो अर्निंग है, उसमें मुझे अभी तक एक भी पैसा नहीं मिला है। तो इसको खरीदने के लिए जो भी पैसा लगा है वो मैंने पॉकेट से निकाले हैं, एंड मैंने इसको इसलिए खरीदा है ताकि आगे जाके मैं अच्छे से वीडियोज़ को एडिट कर पाऊँ, आप लोगों को अच्छा अच्छा वीडियोज़ दे पाऊँ। इस चैनल में अभी तक आपने जितना भी वीडियोज़ देखे हैं वो सारा मोबाइल से एडिटेड है, इवन ये वीडियो भी मोबाइल से ही एडिटेड है, तो लगभग 130 के आसपास में पोस्टेड वीडियो है, सारा कुछ मैंने मोबाइल से एडिट किया है। मोबाइल का स्क्रीन बहुत ही छोटा होता है तो एडिट करने में काफी प्रॉब्लम होता है, एंड आप जब लैपटॉप या कंप्यूटर में एडिट करते हैं तो आपको बहुत सारा ऑप्शन मिलता है जो कि मोबाइल पे आपको नहीं मिल पाता है। और मुझे लैपटॉप से एडिटिंग के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है तो मुझे सीखना पड़ेगा, तो देखते हैं कैसे वीडियोस को और भी इंप्रूव किया जा सकता है। ये तीन चीज़ें मुझे एसआर के शोरूम से दिया गया, तो ये है एक HP का माउस, जो कि मुझे दूसरा वाला माउस दिया जा रहा था लेकिन मैंने इसको काफ़ी मतलब मशक्कत करके लेना पड़ा, एंड इसके अलावा ये है कीगार्ड जिसको कीबोर्ड के ऊपर आप लगा सकते हैं, एंड ये है एक एसआर का बैग, ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा, एंड इसका क्वालिटी बहुत ही ज़बरदस्त है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस पॉकेट में आप आपके जो चार्जर है उसको रख सकते हैं, एंड यहाँ पे आपको जो मेन कंपार्टमेंट मिलता है यहाँ पे आप आपके लैपटॉप को रख सकते हैं, तो क्वालिटी काफ़ी अच्छा है एंड काफ़ी सॉलिड है। और अगर आप इस लैपटॉप को खरीदना चाहते हैं तो आप अमेजन से इसको खरीद सकते हैं, आपको करीब 1-1.5 हज़ार कम पैसे में ये मिल जाएगा, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से इसको चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों बस कुछ ऐसा ही था ये वीडियो, इसको मैं ब्लॉग तो नहीं कह सकता हूँ क्योंकि जब भी मैं बाहर जाता हूँ तो लोगों के सामने कैमरा लेके बोलना थोड़ा सा मुझे ऑकवर्ड लगता है, तो इसलिए मैं ज़्यादा बोल नहीं पाता हूँ। एंड और इस लैपटॉप का अनबॉक्सिंग वीडियोस भी आएगा, सारा चीज़ों को मैंने संभाल के रखा है, रिव्यू वीडियो भी करेंगे, तो उसके लिए अगर आप इंटरेस्टेड है तो नीचे आप कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आपको सब्सक्राइब बटन मिलेगा, क्लिक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।